जय गुरुदेव। फैजाबाद की रहने वाली एक गुरु बहन श्रीमती रूपा सोनी, उनका बताया हुआ ये वाक्या आज प्रस्तुत है। बहन जी ने बताया कि मैं मोहल्ला रामगंज पोस्ट गोसाईगंज जनपद फैजाबाद में रहती हूं। बात सन 1999 की है, 22 जनवरी की। मेरे देवर अनंतलाल सोनी 16 वर्ष की जिनकी उम्र, घरेलू काम से साइकिल से बाजार गए थे। मेरे देवर के साथ साइकिल पर मेरे किराएदार का एक 11 साल का लड़का विवेक भी बैठ कर गया था। तो बाजार से वापस आते समय गल्ले से भरा एक ट्रक उससे टकरा कर उनकी दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना स्थल पर विवेक की तो तुरंत मौत हो गई। मेरे देवर के ऊपर साइकिल और साइकिल के ऊपर ट्रक का पीछे का डबल चक्का चल गया। तो मेरे देवर उस समय आंख बंद करके जय गुरुदेव नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो बाजार के दूसरे भाई बहन जब वहां ये नजारा देखे तो सब लोग भाग कर आए। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जय गुरुदेव नाम क्या बोला है। तो जय गुरुदेव नाम जब बोला तो जय गुरुदेव नाम बोलने के बाद देवर के दाहिने पैर में चोट आई और मालिक की दया से जान बच गई। उसके बाद इलाज चला और दुर्घटना के पांचवें दिन शाम 7 बजे के करीब जागृत अवस्था में मेरे देवर के पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए और दाहिने पैर के चोट में हाथ से स्पर्श किया। तो ये देखकर देवर घबरा गए और जोर जोर से भाभी कहकर मुझे बुलाया। तो मैं आई तो मुझे उन्होंने सारी बात बताई। तो मैंने देवर को ढाढ़स दिलाया और कहा कि मालिक के पांचों नामों का स्मरण करो और भजन करो, मालिक की तुम पर बड़ी दया है, मालिक का बड़ा सहारा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने नामदानी बच्चों की किस तरह से रक्षा करते हैं, ये साक्षात प्रमाण यहाँ दिखलाई पड़ा, इसी तरह मालिक सबकी रक्षा करें, यही प्रेमियों के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना है। जय गुरुदेव।